नमस्ते दोस्तों, मैं सचिन स्वागत करता हूँ सारा एजुकेशन के इस भारत का इतिहास सीरीज के वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे मौर्य साम्राज्य यानी मौर्यन एम्पायर ईसा पूर्व से 184 पूर्व के बारे में। मौर्य वंश के प्रमुख शासक इस प्रकार है। चंद्रगुप्त मौर्य ईसा पूर्व से 298 पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 322 ईसा पूर्व में अपने गुरुवार चाणक्य की सहायता से मगध साम्राज्य के अंतिम शासक घनानंद को पराजित कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। आमतौर पर यह माना जाता है उसका संबंध मोदी मौर्य जाति से था, जो एक निम्न जाति थी। विषाक्तदंत कृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग हुआ है। वृषाल शब्द से आशय निम्न मूल से है। इसमें चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना गया है। चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत में तत्कालीन यूनानी शासक निकेटर, जो सिकंदर का सेनापति था, को 305 ईसा पूर्व में पराजित कर दिया। इस युद्ध का विवरण एपियानस नामक यूनानी ने दिया है। संधि के बाद सेल्यूकस ने 500 हाथी लेकर बदले में एरिया, हेरात, अराकेसिया, कंधार, जेड्रोसिया एवं पेरोपनेसदाई, काबुल के क्षेत्र प्रदान किए। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त से किया और मेगस्थनीस को अपने राजदूत के रूप में उसके के दरबार में भेजा। प्लूटार्क का कहना है कि चंद्रगुप्त ने 600,000 सैनिकों वाली सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला और उस पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। जस्टिन भी इसी प्रकार का विवरण प्रस्तुत करता है। चंद्रगुप्त का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान, फारस से लेकर बंगाल तक, उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक, मैसूर तक फैला हुआ था। स्मिथ ने चंद्रगुप्त के साम्राज्य का विवेचन करते हुए लिखा है कि उसके साम्राज्य में आधुनिक अफगानिस्तान, हिंदुकुश घाटी, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, काठियावाड़, नर्मदा पार के प्रदेश सम्मिलित थे। विष्णुगुप्त चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री था, जिसे चाणक्य तथा कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें प्रशासन के नियमों का उल्लेख है। चंद्रगुप्त ने के शासन काल में सौराष्ट्र के गवर्नर पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया। चंद्रगुप्त की दक्षिण भारत की विजयों के बारे में जानकारी तमिल ग्रंथ अहनानूर एवं मुन्नानूर से मिलती है। चंद्रगुप्त की बंगाल विजय का उल्लेख महास्थान अभिलेख से प्रकट होता है। चंद्रगुप्त जैन धर्मावलंबी था। उसने जैन मुनि भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। कहा जाता है कि मगध में 12 वर्ष का दुर्भिक्ष अकाल पड़ा तो चंद्रगुप्त ने अपने पुत्र सिंहसेन के पक्ष में सिंहासन त्याग कर भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला में तपस्या करने के पश्चात ईसा पूर्व में अपना शरीर त्याग दिया। यूनानी लेखक जस्टिन ने चंद्रगुप्त को सैंड्रोकोट्स कहा है। सैंड्रोकोट्स की पहचान चंद्रगुप्त के रूप में पहली बार विलियम जोन्स ने की थी। बिंदुसार ईसा पूर्व 172 पूर्व। चंद्रगुप्त के उपरांत उसका पुत्र बिंदुसार मौर्य साम्राज्य का शासक बना। यूनानी साहित्य में बिंदुसार को अमित्रोकेट्स या अभित्रभात्र कहा गया है। अभित्रभात्र का अर्थ शत्रुनाशक होता है। जैन ग्रंथ राजबली कथा में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। बौद्ध ग्रंथ दिव्यादान के अनुसार बिंदुसार के शासन काल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, जिसको दबाने के लिए उसने अपने पुत्र अशोक को कहां भेजा था। स्ट्रेबो के अनुसार सीरिया के शासक एंटियोक्स ने डायमेक्स नामक अपना एक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था। प्लिनी के अनुसार शासक टॉलेमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने एक राजदूत डायोनिसस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। एथेनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक के पास एक संदेश भेजकर एक दार्शनिक भेजने का आग्रह किया था, जिसे उसने यह कहकर इनकार कर दिया गया कि दार्शनिकों का विक्रय नहीं किया जा सकता। चाणक्य बिंदुसार का प्रधानमंत्री रहा। लामा तारानाथ के अनुसार चाणक्य ने 16 राज्यों के राजाओं और सामंतों का नाश किया और बिंदुसार को पूर्वी समुद्र से पश्चिमी समुद्र पर्यंत भूभाग का राजा बनाया। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। दिव्यादान से पता चलता है कि राज्यसभा में आजीवक संप्रदाय का एक ज्योतिषी निवास करता था। पुराणों के अनुसार बिंदुसार ने 24 वर्ष शासन किया, किंतु महाभारत में कहा गया है कि बिंदुसार ने 27 वर्ष तक राज्य किया। सम्राट अशोक ईसा पूर्व 132 पूर्व।
बिंदुसार की मृत्यु के उपरांत अशोक मौर्य साम्राज्य का शासक बना। एक शासक के रूप में अशोक वंश इतिहास में एक विशिष्ट स्थान रखता है। सेहली अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों का वध करके मौर्य साम्राज्य का राज सिंहासन प्राप्त किया था। राज्याभिषेक बुधवार के महाप्रिनिर्वाण के 218 वर्ष बाद हुआ था। अभिलेखों एवं साहित्यिक ग्रंथों में उसे देवनामपियक्षी कहा गया है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 9वें वर्ष ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण करके अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। कुछ इतिहासकारों के अनुसार कलिंग को जीतना आवश्यक था, क्योंकि दक्षिण के साथ सीधे संपर्क के लिए एक स्वतंत्र राज्य के समुद्री और स्थल मार्ग पर नियंत्रण होना जरूरी था। कौटिल्य के अनुसार कलिंग हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। इन्हीं हाथियों को प्राप्त करने के लिए अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। कलिंग के हाथी गुफा अभिलेख से प्रकट होता है कि अशोक के कलिंग आक्रमण के समय कलिंग पर नंदराज नाम का कोई राजा राज्य कर रहा था। कलिंग युद्ध तथा उसके परिणामों के विषय में अशोक के 13वें शिलालेख में विस्तृत जानकारी दी गई है। अशोक के अभिलेखों से यह स्पष्ट होता है कि उसका साम्राज्य उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत अफगानिस्तान, दक्षिण में कर्नाटक, पश्चिम में कथियावार और पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत था। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। मौर्य शासक बनने से पूर्व वे उज्जैन का गवर्नर रह चुका था। भेनसांग के अनुसार अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की, जो वर्तमान में जम्मू कश्मीर की राजधानी है। अशोक ने नेपाल में ललित पाटन नमक नगर का निर्माण करवाया था। दिव्यादान से पता चलता है कि अशोक के समय तो बंगाल मौर्य साम्राज्य का अंत था। भेनसांग ने अपनी यात्रा के दौरान बंगाल में अशोक द्वारा निर्मित स्तूप देखा था। कलहन द्वारा रचित ग्रंथ राजतरंगिणी के अनुसार अपने जीवन के प्रारंभ में अशोक शैव धर्म का उपासक था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कलयुग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। बौद्ध धर्म दिव्यादान के अनुसार उपयुक्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। अशोक के बौद्ध होने का सबसे सबल प्रमाण उसके वैरात राजस्थान लघु शिलालेख से प्राप्त होता है, जिसमें अशोक ने स्पष्ट बुधवार धर्म एवं संघ का अभिवादन किया है। अशोक के शासनकाल में 250 धर्मावलंबियों को पुनर्गठित करने के लिए बौद्ध परिषद का 3रा महासम्मेलन संगीति का आयोजन किया गया। मास्की के लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुधवार भावय कहा है। अशोक और उसका धर्म। कलिंग युद्ध की विभीषिका ने अशोक के मन को बुरी तरह झकझोर दिया, क्योंकि इस युद्ध का कलिंग के लोगों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा। युद्ध की नृशंसता और व्यापक हिंसा देखकर अशोक का मन पश्चाताप से भर गया। परिणाम स्वरूप उसने आक्रमण और विजय की नीति त्याग कर धर्म घोष की नीति का अनुसरण किया। अशोक के धर्म का उद्देश्य एक ऐसी मानसिक प्रवृत्ति की आधारशिला रखना था, जिसमें सामाजिक उत्तरदायित्व को एक व्यक्ति के दूसरे पति के प्रति व्यवहार को पत्र अत्यधिक महत्वपूर्ण समझा जाए। अशोक के धर्म में महिमा की स्वीकृति प्रदान करने, समाज की क्रियाकलापों में नैतिक उत्थान की भावना का संचार करने का आग्रह था। अशोक का धर्म वस्तुतः विभिन्न धर्मों का समन्वय है। वह नैतिक आचरणों का एक संग्रह है, जो जीओ और जीने दो की मूल पद्धति पर आधारित था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अशोक का व्यक्तिगत धर्म बौद्ध धर्म ही था, लेकिन यह भी सच है कि अशोक सभी धर्मों का आदर करता था और सभी पंथों और संप्रदायों के नैतिक मूल्यों के बीच पाई जाने वाली एकता में विश्वास करता था। रोमिला थापर ने अशोक के धर्म की तुलना अकबर के दीन ए इलाही धर्म से की है। उनके शब्दों में अशोक का धर्म औपचारिक धार्मिक विश्वास पर आधारित सद्कार्यों से प्रसूत नैतिक पवित्रता तक ही सीमित नहीं था, बल्कि वे सामाजिक दायित्व बोध से प्रेरित भी था। वस्तु यह कहा जा सकता है कि अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए अशोक ने जिन आचारों की संहिता प्रस्तुत की, उसे उसके अभिलेखों में धर्म कहा गया है। अशोक के उत्तराधिकारी। अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर ऐसे अनेक कमजोर शासक आसीन हुए जो मौर्य साम्राज्य की प्रतिष्ठा को बचा पाने में असमर्थ साबित हुए। अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य के उत्तराधिकारियों का क्रम इस प्रकार है: मुजाल, दशरथ, संप्रति, सलिसुक, देववर्मन और सतघ्नवा। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक बृहद्रथ था, जिसकी हत्या करने के पश्चात उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 105 ई.पू. में शुंग वंश की। अभिलेख विषय वस्तु प्रथम शिलालेख समाजों का निषेध,
पशुबलि का निषेध, सभी मनुष्य मेरी संतान। द्वितीय शिलालेख दक्षिण भारत के सीमावर्ती राज्य मानव व पशुओं के लिए चिकित्सालय। तृतीय शिलालेख रजकों की नियुक्ति। पांचवा शिलालेख धर्म महामात्यों की नियुक्ति। मौर्य कालीन वर्ण व्यवस्था। तेरहवा शिलालेख विदेशी राज्यों का उल्लेख। मौर्य साम्राज्य का पतन। मौर्य साम्राज्य जैसे विस्तृत साम्राज्य के पतन के लिए किसी एक कारण को जिम्मेदार मानना उचित नहीं होगा। स्पष्ट सभाओं के अभाव में विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न कारण प्रस्तुत किया है जो इस प्रकार है। डी एन झा ने मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए अशोक की आर्थिक नीतियों को जिम्मेदार ठहराया है। डी कौशाम्बी ने भी मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण आर्थिक ही मानते हैं। हेमचंद्र रॉय चौधरी मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए अशोक की शांतिप्रियता और इसकी अहिंसा की नीति को जिम्मेदार मानते हैं। रोमिला थापर मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए मौर्यकालीन केंद्रीय प्रशासन और उसके अधिकारी तंत्र को जिम्मेदार मानती हैं। हरिहर प्रसाद शास्त्री मौर्य शासन के पतन का मुख्य कारण अशोक की धार्मिक नीति को मानते हैं। अशोक का बौद्ध धर्म के प्रति विशेष लगाव था। ब्राह्मणों ने इसका तीव्रता से विरोध किया। डॉक्टर बनर्जी मानते हैं कि अशोक आदर्शवाद और धार्मिक भावना ने मौर्य सह व्यवस्था और अनुशासन को प्रभावित किया जो मौर्य साम्राज्य के पतन में सहायक सिद्ध हुआ। मौर्य शासन प्रबंध। केंद्रीय प्रशासन। मौर्य शासन का सर्वोच्च पदाधिकारी सम्राट था। वह शासन में साम्राज्य का केंद्र था तथा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका का प्रधान था। सम्राट को शासन में सहायता प्रदान करने के लिए मंत्री परिषद की व्यवस्था थी। प्रमुख मंत्रियों को तीर्थ कहा जाता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार 18 तीर्थ थे। सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ या महामात्र मंत्री और पुरोहित थे। कौटिल्य ने मौर्य प्रशासन के लिए संप्रंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसमें राजा, अमात्य, मित्र, कोष, दुर्ग, सेना तथा देश शामिल थे। मौर्य शासन राजतंत्रात्मक, वंशानुगत, ज्येष्ठाधिकारिता, देव के ग्रंथों तथा निरंकुशता पर आधारित था। मौर्य साम्राज्य में केंद्रीय शासन की व्यवस्था थी। अशोक के अभिलेखों से साम्राज्य के 5 प्रांतों में विभक्त होने का संकेत मिलता है एवं केंद्रीय प्रशासन का प्रांतों पर नियंत्रण का उल्लेख मिलता है। मौर्य कालीन प्रशासन व्यवस्था की अद्भुत व्यवस्था उसकी गुप्तचर व्यवस्था का विकास था। अर्थशास्त्र में गुप्तचरों के लिए स्पर्श, चर, गुण, पुरुष, तपस्वी, दूत, संस्था और संचार शब्द मिलते हैं। प्रांतीय प्रशासन। सम्राट के लिए इतने विशाल साम्राज्य पर नियंत्रण रखना संभव नहीं था। प्रशासन की सुविधा के लिए मौर्य साम्राज्य को 5 प्रांतों में विभाजित किया गया जो इस प्रकार थे: उत्तरापद, दक्षिणापद, अवंतिराष्ट्र, कलिंग और प्राशी, जिनकी राजधानियां क्रमशः तक्षशिला, स्वर्णगिरी, उज्जयिनी, होसली और पाटलिपुत्र थी। प्रांतों का शासन राजवंशीय कुमार या आर्यपुत्र नामक पदाधिकारियों द्वारा होता था। चंद्रगुप्त के समय प्रांतों की संख्या 4 थी, किंतु अशोक के समय में यह संख्या बढ़कर 5 हो गई। कलिंग प्रांत को अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित किया गया। इन शासित राज्यों के अतिरिक्त साम्राज्य के अंतर्गत कुछ अर्धस्वशासित प्रदेश थे जिन पर शासन के लिए स्थानीय राजाओं को मान्यता दी जाती थी, जिनकी गतिविधियों का नियंत्रण अंतपालों द्वारा किया जाता था। नगर प्रशासन। मेगस्थनीस के अनुसार नगर प्रशासन 30 सदस्यों के एक मंडल द्वारा संचालित होता था जिन्हें 6 समितियों में विभाजित किया गया था। नगर में अनुशासन में रखने तथा अपराधी मनोवृत्ति का दमन करने हेतु पुलिस व्यवस्था थी जिन्हें सक्रिय कहा जाता था। नगर आयुक्त को एरिस्टोनोमोई कहा जाता था। समिति कार्यशील एवं औद्योगिक कला समिति उद्योग शिल्पों का निरीक्षण करना। वैदेशिक समिति विदेशियों की गतिविधियों का निरीक्षण। जनगणना समिति जन्म मरण का लेखा जोखा रखना। वाणिज्य समिति वाणिज्य व्यापार का देखभाल। वस्तु निरीक्षण समिति निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण। कर समिति बिक्री कर वसूल करना। कौटिल्य के अनुसार नगर का प्रमुख अधिकारी नागरिक होता था। नगर निवासियों के जान माल की सुरक्षा तथा नगर प्रशासन से संबंधित नियमों का कार्यान्वयन नागरिक का उत्तरदायित्व था। महामात्य उच्च अधिकारी थे जो नगर प्रशासन से संबंधित थे। जिला प्रशासन।
जिलेकों को विषय या आहार कहा जाता था, जिसका प्रधान विषयक्ति होता था। राजूप की नियुक्ति जनपदों की देखभाल व निरीक्षण के लिए की जाती थी। इनके पास कर संग्रह के साथ साथ शक्तियां या एक शक्तियां भी थी। जिले से जुड़े अन्य अधिकारियों में प्रादेशिक तथा युक्त या पूर्व थे, जो क्रमशः जिलाधिकारी, आर्थिक प्रकोष्ठ और क्लर्क का काम संभालते थे। जिला प्रशासन से जुड़े अधिकारी एक सीताध्यक्ष, कृषि विभाग 5, मुदाध्यक्ष, पासपोर्ट विभाग 2, पौतवाध्यक्ष, माप तौल विभाग 6, सनाध्यक्ष, बूचर खाना विभाग 3, अकराध्यक्ष, खानों का विभाग 7, नवाध्यक्ष, जहाजरानी विभाग 4, लक्षणाध्यक्ष, टकसाल विभाग 8, रूपाध्यक्ष, सिकों का विभाग, स्थानीय प्रशासन या ग्राम प्रशासन। ग्राम मौर्य साम्राज्य की सबसे छोटी इकाई थी, जिसका प्रधान ग्रामिक कहलाता था। यह राजकीय कर्मचारी नहीं था, इसका निर्वाचन जनता द्वारा किया जाता था। ग्रामिक को ग्राम के ज्येष्ठ व वरिष्ठ लोग प्रशासनिक कार्य में सहायता प्रदान करते थे। गोप तथा स्थानिक गांव तथा जिले के प्रशासन के बीच एक मध्यवर्ती स्तर की इकाई होती थी, ये संबंधित अधिकारी थे। ग्रामिक के ऊपर गोप होता था, जिसके अधिकार में 5 से 10 ग्राम होते थे, जबकि स्थानिक गोप के ऊपर होता था, जिसके तहत जिले का 1/4 क्षेत्र होता था। इन ग्राम पदाधिकारियों पर समाहर्ता नमक अधिकारी का नियंत्रण होता था। मौर्य काल में विभिन्न प्रकार के गांवों की चर्चा है। गांव के प्रकार: आयुधीश, सैनिक सेवा प्रदान करने वाला, कुतब, कच्चा माल देने वाला, गांव परिहारक, करयुक्त गांव, हिरण्य, अनाज और स्वर्ण के रूप में कर देने वाले गांव, विशिष्ट, बिगाड़ करने वाले लोग। सैय व्यवस्था। मौर्यकालीन सैय व्यवस्था का प्रधान सम्राट था। मौर्य सैय व्यवस्था को 5 भागों में विभक्त किया गया था: पैदल, अश्व, हाथी, रथ तथा नौसेना। सैय मंत्रालय का प्रधान सेनापति होता था। सैनिकों की नियुक्ति, प्रशिक्षण, वेतन, प्रबंध, अस्त्र शस्त्र व इसकी आपूर्ति सेनापति का मुख्य कार्य था। सैय प्रबंध की देखरेख करने वाला अधिकारी अंतपाल कहलाता था। यह सीमांत क्षेत्रों का व्यवस्थापक भी था। अर्थशास्त्र में नवाध्यक्ष के उल्लेख से मौर्यों के पास नौसेना होने का भी प्रमाण मिलता है। खिनी के अनुसार 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियां सैय प्रशासन के लिए जिम्मेदार थीं: 1. पैदल सेना, 2. घुड़सवार, 3. रथ सेना, 4. गज सेना, 5. नौसेना, 6. रसद विभाग। न्याय व्यवस्था। मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च न्यायाधीश था। न्याय व्यवस्था कठोर थी। न्याय का उद्देश्य सुधारवादी न होकर आदर्शवादी था। मौर्य न्याय व्यवस्था के 4 प्रमुख आधार धर्म, व्यवहार, चरित्र और राजाज्ञा थे। ग्राम सभा सबसे छोटा न्यायालय था। उनके ऊपर क्रमशः संग्रहण, द्रोणामुक तथा जनपद के न्यायालय थे। नागरिक मामलों को हल करने वाले न्यायाधीश को व्यवहारिक कहा जाता था। ग्राम और सभा सम्राट के न्यायालय के अतिरिक्त बीच के सभी न्यायालय धर्मस्थीय और कंतकशोधन में विभक्त होते थे। धर्मस्थीय न्यायालय नागरिकों के पारस्परिक मामलों का निपटारा करते थे, जबकि राज्य तथा नागरिकों के मध्य होने वाले विचारों के निर्णय करने वाले न्यायालय कंतकशोधन कहलाते थे। कुर्चन, मानहानि, मारपीट संबंधी मामले भी धर्मस्थीय न्यायालय में लाए जाते थे, जिन्हें पाक पारुष्य या दंड पारुष्य कहा जाता था। मौर्यकालीन समाज। मौर्यकालीन सामाजिक संरचना की जानकारी मुख्यतः कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज के विवरणों से मिलती है। मौर्यकालीन समाज वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। श्रेष्ठता की दृष्टि से क्रमशः ब्राह्मणों और वैश्यों का समाज में सम्मान था, किंतु शूद्रों की स्थिति निम्नतर थी। गौड़ साहित्य में भी 4 वर्णों की सूची मिलती है, जिसमें क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र का उनके अवरोही क्रम में उल्लेख है। अर्थशास्त्र में सभी 4 वर्णों के लोगों का सेना में भर्ती होने का उल्लेख है। स्त्रियों में पर्दा प्रथा और सती प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता है। अर्थशास्त्र के अनुसार विवाह के लिए स्त्री की उम्र 12 वर्ष तथा पुरुष की उम्र 16 वर्ष बताई गई है। स्त्रियों को पुनर्विवाह व नियोग की अनुमति थी। कौटिल्य ने स्त्रियों के विवाह विच्छेद, तलाक की अनुमति दी है। तलाक के लिए कौटिल्य ने मोक्ष शब्द का प्रयोग किया है। समाज में वैश्यावृत्ति की प्रथा प्रचलित थी, जिसे राजकीय संरक्षण प्रदान किया गया था। मेगास्थनीज और स्ट्रेबो के अनुसार भारत में दास प्रथा नहीं थी, लेकिन कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों का वर्णन किया है।
मेगास्थनीज कहता है कि अपनी जाति से बाहर किसी को भी विवाह करने की अनुमति नहीं थी और न ही पेशा बदला जा सकता था। दार्शनिक और ब्राह्मण इसके अपवाद थे। कौटिल्य के अनुसार मौर्यकाल की एक महत्वपूर्ण सामाजिक घटना थी जिसके अंतर्गत दासों को बड़े पैमाने पर कृषि कार्यों में लगाया गया था। प्रवहन एक सामूहिक समारोह होता था जिसमें भोज्य व पेय पदार्थों का प्रचुरता से प्रयोग होता था। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन और वाणिज्य पर आधारित थी, जिन्हें सम्मिलित रूप से वार्ता के नाम से जाना जाता था। राज्य की भूमिका पर राजा का स्वामित्व होता था। इसका उल्लेख मेगास्थनीज, स्ट्रेबो एवं एरियन ने भी किया है। कृषि मौर्य काल का प्रमुख व्यवसाय था। कृषि राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। राजकीय भूमि की व्यवस्था करने वाला प्रधान अधिकारी सीताधाम कहलाता था। राज्य को सिंचाई का पाबंद करना पड़ता था और वे उसके बदले में कर वसूलता था। सिंचाई के लिए अलग से उपज का 1/5 से 1/3 भाग कर के रूप में लिया जाता था। जूनागढ़ अभिलेख से चंद्रगुप्त के गवर्नर पुष्यगुप्त द्वारा सौराष्ट्र में निर्मित झील का उल्लेख मिलता है। भूमिकर और सिंचाई कर को मिलाकर किसान को उपज का लगभग भाग देना पड़ता था। मौर्य कालीन उद्योग व्यापार उन्नत था। सूती वस्त्रों के प्रमुख केंद्र वाराणसी, वत्स, महिष्मति, कुंद्रू और कलिंग थे। विदेशी व्यापार मुख्यतः यूनान, रोम, फ्रांस, लंका, सुमात्रा, जावा, मिस्र, सीरिया तथा बोर्नियो द्वीपों से होता था। व्यापारी श्रेणियां संगठित थी। इनका मुखिया श्रेष्ठिन कहलाता था। इनके ऊपर एक महाभेदी होता था जो आपसी विवादों का हल करता था। मौर्य काल में सोने, चांदी तथा तांबे के सिक्कों का प्रचलन था। मौर्यकालीन कला संस्कृति। मौर्यकाल में कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई। मौर्य कला का विकास राजकीय संरक्षण में हुआ, जिसके अंतर्गत राजप्रसाद, स्तंभ, गुफा विहार, स्तूप आदि आते थे। लोक कलाएं राजकीय संरक्षण से मुक्त थी, इसके अंतर्गत पक्षयाथिनी की मूर्तियां बनाई जाती थी। मौर्यकालीन राजकीय कला का एक प्रसिद्ध उदाहरण चंद्रगुप्त का पटना में स्थित राजप्रसाद है, जिसके बारे में पातियान का कहना है कि यह मानवीय कृति नहीं है बल्कि देवताओं द्वारा बनाई गई है। अशोक के समय में चट्टानों को काटकर कंदरामों के निर्माण द्वारा वस्तु कला की एक नई शैली का आरंभ किया गया। स्तूप मौर्यकालीन भारत की वास्तुकला की महत्वपूर्ण देह है। बौद्ध अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने 4000 स्तूपों का निर्माण करवाया। मथुरा के पास मिली एक यथा मूर्ति, बेसनगर की स्त्री मूर्ति और दीदारगंज से मिली मूर्तियां मौर्य मूर्तिकला की दृष्टि से उल्लेखनीय है। मौर्यकालीन मृभान, जिन्हें उत्तरी काले पॉलिशदार मृभान कहा जाता है, कला की उत्कृष्टता के प्रतीक हैं। मौर्यकाल की अद्भुत कला के असाधारण नमूनों में से एक एकाश्म स्तंभ है, जो एक ही पत्थर से बनाया गया है और जिसकी ऊंचाई कई मीटर है। रामपुरवा से प्राप्त वृषभ मूर्ति में गति, सजीवता एवं लालित परिलक्षित होता है। यह मौर्यकालीन कला की अनुपम देन है। महाजनपद राजबानी। महाजनपद राजबानी काशी, वाराणसी, कुरु, इंद्रप्रस्थ, रंग, चंपा, मगध, राजगृह, मलक, कुशावती, चेदी, शक्ति, मदी, वत्स, कौशाम्बी, कौशल, अयोध्या, पांचाल, अहिच्छत, मत्स्य, विराटनगर, सूरसेन, मथुरा, अस्मत, पोथन, अवंती, तक्षशिला, कम्बुज, हातक, प्राचीन भारत की कुछ प्रमुख पुस्तकें। पुस्तक लेखक कल्प सूत्र, भद्रबाहु, अर्थशास्त्र, कौटिल्य, कीर्ति, कौमुदी, सोमेश्वर, रसमाला, सोमेश्वर, प्रबंध कोश, राजशेखर, मुद्रा, राक्षस, विशाखदत्त, मालविकाग्निमित्रम, कालिदास, हर्षचरित, बाणभट्ट, पृथ्वी, रासोचंद, बरदाई, बुधवार चरित, अश्व घोष, कुमार पाल चरित, हेमचंद, गौरभो, यशोवर्मन। स्मरणीय तथ्य। मौर्य काल में साधारण जनता की भाषा पाली थी, इसलिए अशोक ने अपने सभी अभिलेख इसी भाषा में उत्कीर्ण करवाए। यूनानी और लैटिन लेखकों ने पाटलिपुत्र को पालिद्रोथा के रूप में उल्लेखित किया है। अशोक के अभिलेखों की तुलना इराकी शासक डेरियस आई से की जाती है। मेगास्थनीज ने भारत में खात गातियों या वर्गों का उल्लेख किया है, जिसमें किसानों की संख्या सर्वाधिक थी। अशोक के कलिंग अभिलेख से पता चलता है कि प्रांतों में हो रहे अत्याचारों से वे बड़ा ही चिंतित था। अर्थशास्त्र में 18 अधिकरण तथा 180 प्रकरण हैं। सम्राट घरों की स्त्रियों को प्रायः अनिष्कासिनी कहा गया है। मौर्य शासन काल में वस्त्र उद्योग एक महत्वपूर्ण उद्योग था और राज्यों द्वारा संचालित होता था।
मनुस्मृति तथा अर्थशास्त्र से पता चलता है कि शूद्रों को संपत्ति का अधिकार प्राप्त था। एरियन ने पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त के राजप्रसाद को सूसा और एक बतना के प्रसादों से सुंदर बताया है। स्तंभों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ का सिंह स्तंभ है, जिसके शीर्ष पर चार सिंह एक दूसरे से पीठ सताए बैठे हैं। मेगास्थनीज की कृति इंडिका है, जबकि मुद्रा राक्षस की रचना विशाखदत्त द्वारा की गई है। मास की शिलालेख में अशोक के नाम की खोज 1915 में बीदन द्वारा की गई है।